कत दिनक सोचल सपन पूरा हो मुगाड कहिया हमर मांग पूरा हो रे कहिया हमर मांग पूरा हो देखो जब झारखंड भिलाई फकर फांड ये भाई भिलाई फकर फांड रोजी रोटी रोजगार कर कोनो न खाय फान अरे रोजी रोटी रोजगार कर कोनो न खाय फान। तो मैं वादा करता हूँ कि मैं नक्सली बनूंगा, मैं माओवादी में मैं चला जाऊंगा, मैं माओवादी में जाऊंगा, इसलिए को माओवादी का ऑफर आ रहा है। मजबूरी बस है। मजबूरी बस ऑफर आ रहा है जी, माओवादी का ऑफर आ रहा है। हम लोग का देहात क्षेत्र में घर पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग माओवादी से डरे बच के शहर में टाउन में अपना रहते हैं। हम मजबूरे होम गार्ड को सुन लो फरियाद, कुछ तो करो सरकार, मजबूरी में हम सब ड्यूटी करते हैं, मजबूरी में हम सब ड्यूटी करते हैं, घर द्वार छोड़ करके जंगल में भटकते हैं। हम मजबूर होम गार्ड का सुन लो फरियाद, झारखंड के सरकार। जब जब धारणा करली सरकार नहीं सुनाली, जब जब धारणा करली सरकार नहीं करली, दोसर कर दर्द के नहीं जानली। होम गार्ड कहिया हमर मांग पूरा हो, हाय रे हाय कहिया हमर मांग पूरा हो। माया हो तो कर दे सिकार और न तो कर दे बहिष्कार, माया हो तो कर दे सिकार और न तो कर दे बहिष्कार, हाय रे हाय होम गार्ड कहिया हमर मांग पूरा हो। हाय रे बन जाबो नक्सली हथियार, हाय रे हाय होम गार्ड कहिया हमर मांग पूरा हो। 4 महीना ड्यूटी लागे सकरू में दक्षिणा मांगे, 4 महीना ड्यूटी लागे सकरू में दक्षिणा मांगे, नहीं दिल भाग भाग कहे होम गार्ड कहिया हमर मांग पूरा हो। हाय रे हाय रे हाय होम गार्ड कहिया हमर मांग पूरा हो। कहा था अब होम गार्ड जवान दई दे भाई सब को अब जान, कहा था होम गार्ड जवान दई दे भाई सब को अब जान, छूट जाता की संस्था हो वीरान होम गार्ड। हाय रे हाय रे होम गार्ड कहिया हुई हमर मांग पूरा, हाय रे होम गार्ड कहिया हुई मांग पूरा हमर। जिंदाबाद जिंदाबाद कहिया हमर मांग पूरा हो। अच्छा एक बात, जो आपके गाने में कौन सी भाषा का गाना था? ये नागपुरी गीत है जी। कहाँ से हैं? हम मांडर विधानसभा के हैं। अच्छा इस पूरी लाइने में एक चीज मुझे समझ में आई, जब आप कह रहे थे कि नक्सली बन जाएंगे ऐसा कुछ बोल रहे थे, क्या मतलब है? अगर नहीं नहीं हम लोग को अगर हम मांग पूरी नहीं हो जाएगी तो क्या करेंगे हम लोग, हैं कुली का बाड़ी से तो ठीक है ना है, हैं इतना दिन से हम लोग करते आ रहे हैं, हैं मरता क्या नहीं करता, हैं हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, अपना जान भी दे सकते हैं, गोली भी चला सकते हैं, नक्सली भी जा सकते हैं, हम लोग को रोजगार नहीं है तो कहाँ से क्या करेंगे, हैं सरकार कोई फंडे नहीं दे रहा है, हैं आज तक कुछ फंड मिला है कुछ फंड नहीं मिला है होमगार्ड के लिए, हैं कोई कुछ नहीं। जब ऑफिस में जाते हैं तो ड्यूटी के लिए आज आओ कल आओ, हैं उसमें कमान नहीं देता है जल्दी, हैं उसमें भी दक्षिणा लगता है, ये दक्षिणा को सरकार मना करे, नियमित हम लोग को ड्यूटी देवे। समझे नहीं क्या दक्षिणा लगता है ड्यूटी आने पर? वहाँ कमान पत्र कमान मांगने में लगता है, 4 महीना का ड्यूटी में हाँ घूस लगता है जी, एकदम देना पड़ता है, हैं कोई बैल बेच के कोई बकरी बेच के कोई गहना बेच के ला के देती है, देता है होमगार्ड के जवान। ये बहुत ही दुखद चीज़ है जो बात, अगर ये इशारा बता रहे हैं जिस तरह इशारा कर रहे हैं,
कि एक तो आप लोग गरीब परिवार से हो, ऑलरेडी ड्यूटी कम मिलता है आप लोग को, इसमें भी जब आप ड्यूटी ज्वाइन करने जाते हैं तो आप लोगों को घूस देना पड़ता है और उसके लिए गहने बेचने पड़ते हैं, घर के जानवर बेचने पड़ते हैं, तब ये घूस के पैसे आप पाते हैं। एकदम जरूर, एकदम जरूर। 4 महीना ड्यूटी कीजिए, उसके बाद फिर 8 महीना 10 महीना बैठ जाइए, हैं, उसके बाद फिर अगर आइएगा तो टरकाते रहते हैं बिना पैसा का। ड्यूटी करना तो घूस देना पड़ता है, घूस देना एकदम जरूरी पड़ता है, अगर नहीं देने से ड्यूटी नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। ये एक स्थिति जो बताई आपने, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सुल्तान अंसारी हुआ, मांडर प्रखंड के हैं, रांची जिला के, मेरा गांव है कंजिया। सुल्तान जी हैं जो कि मांडर प्रखंड से हैं और ये बता रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। गाना जो आपने लिखा है खुद से लिखा है? मैं अपने से लिखा हूँ, मेरा गाना बहुत गायक लोग बहुत दूर तक गाया है और मसाला बहुत अच्छा है। आप जो गाना गाए थे अभी आपने खुद से लिखा है? जी, मैं खुद से लिखा हूँ इस गाने को। लगा ऐसा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ दिलबर झारखंडी। दिलबर झारखंडी जी, क्यों आपको लगा ऐसा कि गाना लिखना चाहिए, गाना गाना चाहिए, ये आंदोलन का एक नया तरीका लग रहा है? नहीं, अभी का जो दर्द हम लोगों के साथ जो बीत रहा है अभी का माहौल में, जो कि पूर्व में हमारे ये सरकार जो हेमंत सरकार ने वादा जो किए थे कि अगर मेरा सरकार बनता है जब हमको कलम में ताकत हो जाए तो मैं आप लोगों का बिहार के तर्ज पर ये करूँगा, लेकिन अभी तक तो कुछ कहीं हुआ नहीं और मजबूरन बस जो है अभी स्थिति को बहुत दयनीय स्थिति बीत रहा है हम लोगों के साथ में, और अगर सुधार नहीं हुआ, अगर हम लोग को ड्यूटी अस्थाई नहीं मिलती है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं नक्सली बनूंगा, मैं माओवादी में मैं चला जाऊंगा, इसलिए को माओवादी का ऑफर आ रहा है। मजबूरी बस ऑफर आ रहा है जी, माओवादी का ऑफर आ रहा है। हम लोग का देहात क्षेत्र में घर पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग माओवादी से डरे बच के शहर में टाउन में अपना रहते हैं। देखिए, ये स्थिति गंभीर है, अगर आप इस बात की गंभीरता को समझें। आज से कुछ दिन पहले जब मोराबादी मैदान में भी सहायक पुलिस वालों का प्रदर्शन चल रहा था, उस बीच में उनके घरों पर पोस्टर चिपकाए गए थे नक्सलियों द्वारा और कहा गया था कि अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो हम आपके लिए हमारा दरवाज़ा खुला है, आप आएँ और नक्सली बनने की प्रक्रिया में शामिल हो। जो उस वक्त भी मामला बहुत तूल पकड़ा था, कुछ और भी लोग हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार तिवारी, प्रदेश महासचिव, झारखंड होमगार्ड वेलफेयर सेल। राजीव जी, बताइए कि अभी तक आप लोग बैठे हैं, अब विधानसभा का 2-4 दिन और बचा हुआ है सत्र चलने में, उसके बाद सत्र खत्म हो जाएगा, अभी तक कुछ पॉजिटिव लग रहा है या फिर क्या रणनीति आप लोग की हो? मैं पहले, आपने जो मुझसे प्रश्न किया उसका उत्तर देने से पहले मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहूँगा। हमारे होमगार्ड के जवान इतने प्रताड़ित और शोषित होते थे कि अपनी बात, अपने दिल के दुख का दर्द किसी के समक्ष रख नहीं पाते थे, लेकिन आज जब सभी हमारे होमगार्ड के जवान संगठित और एक हो गए हैं तो हर एक हमारा होमगार्ड साथी अपना दुख को रख रहा है। पहले कोई यह कहने से डरता था कि हमें घूस देना पड़ता है, लेकिन झारखंड का ऐसा कोई भी हमारा होमगार्ड साथी नहीं है जिसे बिना रिश्वत दिए ड्यूटी मिलती है। ऐसा कोई भी हमारी महिला, रिश्वत देना पड़ता है, रिश्वत की कोई सीमा नहीं है। रिश्वत 2,000 से लेकर 10,000 रुपये तक रिश्वत देना पड़ता है हमारे होमगार्ड जो 4 महीने की। जब आपको ड्यूटी ज्वाइन करना है तब? हाँ, जब ड्यूटी ज्वाइन करना है, होमगार्ड के अधिकारी लोग जो पैसे वसूल करवाते हैं और नहीं पैसे देने पर कहते हैं कल आना, परसों आना, तरसों आना, डेट मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि MIS सॉफ्टवेयर से ड्यूटी देने के लिए पूर्व की सरकार ने आदेश निर्गत किया था, लेकिन उस सॉफ्टवेयर में छेड़खानी हो रही है और छेड़खानी करके ड्यूटी दी जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे झारखंड में टोटल होमगार्ड जवान 18,643 हैं और ड्यूटी मात्र मिलती है 9,000 जवानों को, जिसका फायदा अधिकारी उठाते हैं और होमगार्ड जवानों का शोषण करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूँगा, अगर हमारे सभी होमगार्ड जवानों की ड्यूटी नियमित कर दी जाए तो इस तरह का शोषण और प्रताड़ना नहीं होगा, क्योंकि हमारे होमगार्ड जवान पहाड़ पर भी ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं, केवल उन्हें ड्यूटी नियमित रूप से मिले। कितने की संख्या होगी आप लोगों की? पूरे झारखंड में 18,643 होमगार्ड जवान हमारा टोटल है। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ कामेश्वर पंडित। कामेश्वर जी, यही बात जो इनसे आपसे पूछते हैं कि अब तो विधानसभा खत्म होने वाला है और अब 2-4 दिन का और सत्र बचा हुआ है, अभी तक क्या पॉजिटिव कुछ लग रहा है? अगर नहीं तो क्या रणनीति होगी आप लोगों की? सरकार को तो हमने अल्टीमेट दे चुका हूँ, कि बिहार राज्य के तरह झारखंड राज्य के सभी गृहरक्षकों को ड्यूटी सुनिश्चित नहीं हो जाती है 16 मार्च तक, तो मैं 17 मार्च को सदन के मेन दरवाजा पर, मुख्य द्वार पर आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। विधानसभा को एकदम पूरे घेर लेंगे, किसी को एंट्री नहीं मारने देंगे।
विधायक आएंगे, मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, उन लोग का एंट्री नहीं लेने देंगे? एंट्री नहीं लेने देंगे। हाँ, हमारी मांग ले सरकार, हमारी झारखंड राज्य के गृहरक्षकों को ड्यूटी सुनिश्चित कर दे, यही एक हमारी मांग है। जैसे ने बिहार, हमको बिहार में गृहरक्षकों का ड्यूटी सुनिश्चित है, भविष्य निधि का लाभ मिलता है, रिटायर होने पर एक मुश्त पैसा मिल जाती है, हमें सारा सुविधा बिहार जो दे रहा है वो झारखंड को मिलना चाहिए। नहीं तो फिर आप लोग आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन जो होगा विधानसभा के सामने होगा और वो आप लोग घेर के रखेंगे, एंट्री नहीं देने, उसका जवाबदेही सरकार होगी और जिला प्रशासन होंगे। तो होमगार्ड के जवानों का आपने गीत सुना और फिर आक्रोश भी सुना कि किस तरह से ये 18,000 से अधिक की संख्या, 18,400 कुछ की संख्या है, और अगर इनकी बात सरकारें नहीं मानती हैं तो ये फिर ये आंदोलन करेंगे। इस बार का आंदोलन विधानसभा के सामने के मैदान में नहीं बल्कि विधानसभा के गेट पर होगा और विधायकों की, मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की एंट्री बंद हो जाएगी। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक, नमस्कार। द फॉलोअप .in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in